अरे कवर तो खोला ही नहीं। अरे सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल घोस्ट अनलीश्ड। और आज मैं आप लोग के साथ अपना वो सरप्राइज़ रिवील करने जा रहा हूँ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आ रहा है, वो भी जाके देख लो। और वो सरप्राइज़ जो मैं बता रहा था वो है ये। तो ये है इंडोनेशियन वर्जन है सब मास्क का, जो कि मैंने PGX ऑटो एक्सेसरीज से मंगवाया है। तो जैसा मैंने बताया ये इंडोनेशियन वर्जन है, तो इसको आई नहीं आता ऐसे करके, जो कि अभी शायद आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा होगा जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलता है। चीज़ और भी है कि इसका फिटिंग जो है ये बॉडी फिट है। यहाँ पे जो साइड में होल्स दिख रहे हैं आपको वो फ्रेम में ही लगेगा, उसके लिए अलग से मेरे को होल्स करने की ज़रूरत नहीं है, और जो कि वो दूसरे वाले सब मास्क में नहीं रहता है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बॉडी फिट है, प्लस ये ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और मेरी बाइक पे ऑलरेडी R3 का मास्क लगा हुआ है, जिस वजह से वो वाला सब मास्क मेरे पे अच्छा भी नहीं लगता। तो एनीवेज़, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले PGX को थैंक यू सो मच फॉर डिलीवरिंग दिस इन द पैंडमिक। मैं काफ़ी दिन से इसको खोज रहा था बट मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो PGX के पास जैसे ही अवेलेबल हुआ उन्होंने मुझे ये शिप करवा दिया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि PGX का जो ओरिजिनल अकाउंट था जिसमें 10K फॉलोअर्स थे, वो कुछ दिन पहले हैक हो गया था, जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो उस वजह से उन्होंने एक नया अकाउंट बनाया है जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो मैं नए वाले अकाउंट का, नए वाले इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उनको फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि उनका जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस है वो पहले जैसा वापस जल्दी जल्दी हो जाएगा तो और अच्छा है, ठीक है ना। और बस इतना ही है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है उस बारे में मैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे बात करूँगा। ऐसे जो ये सब मास्क है ये मुझे पड़ा समवेयर अराउंड 1500 का, क्योंकि मैंने इसके साथ जो है ये जो लाइट्स आपको दिख रहे हैं ये मैंने साथ में नहीं मंगवाए थे, मुझे लाइट्स का उतना आइडिया नहीं था, इस वजह से तो मैंने लाइट्स आफ्टर मार्केट लिए हैं। ऑल्दो सेम यही वाले लाइट्स आपको मिलेंगे PGX से भी, इसका वेरिएंट रहेगा ये कि एक है जिसमें सिर्फ सिंगल लाइट है जो कि वाइट रहेगा शायद, और एक डबल वेरिएंट है जिसमें वाइट एंड येलो है। तो ये वाला वाइट एंड येलो वाला है और ये PGX से भी मिल जाएगा आपको, बस प्राइस ज़्यादा लगेगा आपको। तो जो भी है प्राइस वगैरह वो सारा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाके PGX के पेज पे जाके उनसे बात कर सकते हो, या फिर उनके व्हाट्सएप नंबर पे उनसे चैट कर सकते हो डायरेक्टली, वो लोग काफ़ी जल्दी रिप्लाई भी कर देते हैं। एनीवेज़, इसमें और कुछ है नहीं वैसा बताने का, सीधा चलते हैं बाइक पे और इसको इंस्टॉल करते हैं। सो गाइज, हम लोग अभी बाइक के पास आ चुके हैं और मेरी अभी ये इस टाइप से है पूरा, इसको आधा आधा खोल दिया था मैंने एक्चुअली कल रात को ही, आज टाइम नहीं वेस्ट हो, बट उसके अलावा देखो बाइक कितनी गंदी होकर रखी हुई है। तो आज एक्चुअली इसका वॉश भी कराना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे लगेगा अंडर सब मास्क। तो सब मास्क जैसे मैंने बता रहा था कि कुछ इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप से फिट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, और ये जो स्क्रू का पार्ट है ये स्क्रू यहाँ पे ऐसे लग जाता है। तो यही है इंस्टॉलेशन इसका, और फिर उसके ऊपर से बॉडी लग जाएगा ऐसे करके। वो जो भी है मैं अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको दिखाने के बाद एक बार मैं लाइट का भी प्रोसेस, लाइट कनेक्शन का भी प्रोसेस आपको मैं दिखा दूंगा, तो वीडियो में आगे तक बने रहो। इसको हम लोग बाहर निकालेंगे और फिर यहाँ पे कनेक्शन पूरा करेंगे। इसमें इन टोटल तीन तार हैं, जो कि एक है ये तो नेगेटिव हो गया, एक वाइट है जो कि शायद वाइट के लिए है, और ये वाला येलो के लिए है। येलो वाला मैंने अभी
गाइज ये देखो मैंने कनेक्शन कर दिया है, ये है इसका येलो वाला लाइट जिसकी मैं बात कर रहा था। और मैंने कनेक्शन इस टाइप से किया है कि एक लो लाइट रहेगा, एक वाइट लाइट रहेगा अभी के लिए। तो मैं वाइट लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको अब हाई बीम पे करने के बाद ये वाइट लाइट ऐसे जलेगा और इस टाइप का कुछ लुक आएगा इसका, इसमें कि एक लो लाइट है, एक हाई ऊपर वाला बीम है। लेफ्ट वाला ऊपर वाला बीम है, ये वाला ऊपर का बीम है और ये नीचे का है। तो इसका ओवरऑल तो किस टाइप का रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने वायरिंग ख़त्म नहीं की है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने दोनों में एक एक लगा के रखा है। तो मैं वायरिंग की कॉन्सेप्ट अलग से समझा दूँगा आपको बाद में, अभी मैं इसका कनेक्शन ख़त्म करके आपको फाइनल लुक देता हूँ। तो बाइक यहाँ धुल चुकी है, मैंने अंडर बिली का इंस्टॉलेशन भी किया है बट वो अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और ये मेरी हालत देखो, पूरा ऊपर से नीचे तक मैं पसीने में भीग चुका हूँ। तो मैं पहले जाके फ्रेश होऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं बाइक का फाइनल लुक दिखाऊंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ और अभी टाइम हो चुका है कि जिस जो सुबह से हम मैंने जो काम किया है वो आप लोगों को दिखाने का। तो चलते हैं हम बाइक पे। गाइज ये इसका एक्चुअली में लो लाइट होना चाहिए था बट ये अलाइनमेंट की वजह से ये हाई बीम बन गया है। और ये है इसका विजिबिलिटी, देख ही सकते हो आप कि पहले वाले से कितना ज़्यादा विजिबल है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ कहीं पे ये ग्रीन बॉर्डर लाइन है, ग्रीन टू ब्लू का बॉर्डर लाइन है। तो ये एक्चुअली में पहले इसका लो और हाई बीम था। अभी अगर मैं इसको ऑन, इसका हाई बीम ऑन करूँ तो ये देखो क्लैरिटी और बढ़ जाती है वाइट और ब्लू के साथ, येलो के साथ। और अभी भी आपको हल्का हल्का पता चल रहा होगा जो कि ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं इसका हाई बीम ख़त्म हो रहा है, ये देखो। और यहीं से इसका वाइट बीम भी स्टार्ट हो रहा है। तो विजिबिलिटी के हिसाब से मेरे को लगता है ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल रहेगा, और बाकी तो रोड पर जाके पता करेंगे। तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आप लोग को ये सिनेमेटिक शॉट, और ये सबमास का मॉडिफिकेशन भी कैसा लगा वो भी बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए। तो यही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।